ओम शांति। अभी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे मोबाइल में हिंदी में टाइपिंग करें। इसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में अभी कौन सा लैंग्वेज या कीबोर्ड शो करता है। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने देखा यहाँ पर, और यहाँ पर ये टाइप ए मैसेज जैसे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो अभी यहाँ पर कोई और लैंग्वेज नहीं है, केवल इंग्लिश में ही हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बट अभी मेरे को क्या करना है, हिंदी लैंग्वेज भी का भी एक ऑप्शन इसमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर हमें सर्च में यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल इंडिक कीबोर्ड। ये ऊपर आ गया, अब इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें इंस्टॉल का लिखा हुआ आ गया, इसको क्लिक करेंगे। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा, 100% होगा, ये यहाँ पे लिख रहा है। ये 100% होने के बाद इसके बाद इंस्टॉल होना शुरू होगा, जैसा कि अभी लिख किया है इंस्टॉलिंग। और जैसे ही इंस्टॉलिंग कंप्लीट होगा तो ये ओपन जो है लिखा हुआ ग्रीन हो जाएगा, जैसा भी हो गया। अब हम ओपन को क्लिक करेंगे तो इसमें स्टेप वन सेटिंग की बात करेगा, जिसमें हमें इनेबल करना है। तो ये इनेबल इन सेटिंग को क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारा सेटिंग है, बट हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ गूगल इंडिक कीबोर्ड में जा कर के इसको ऑन कर देना है, फिर ओके। सेकेंड स्टेप क्या करना है, गूगल इंडिक कीबोर्ड एज़ योर डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड। तो इसके लिए हमें फिर इनपुट मेथड में जाना है और इसमें हमें यहाँ पर जो फर्स्ट इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज है इसको क्लिक करना है। तो अभी हमने उसको कंप्लीट कर लिया, तो अब हम दोबारा जा कर के चेक करेंगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड अभी शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है। तो अभी देखिए वही कीबोर्ड चेंज हो चुका है। अब इस कीबोर्ड में हमारे पास दो लैंग्वेज शो कर रहा है, एक इंग्लिश के लिए ABCD और हिंदी के लिए अ लिखा हुआ है। तो अ सेलेक्ट करेंगे तो हम हिंदी में टाइप करेंगे और ABC सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में टाइप करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ABC में करना चाहता हूँ तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और मैंने लिखा ओम शांति या वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, हिंदी में टाइप करना है। जैसे ही अब लैंग्वेज को देखेंगे तो अब सेकंड लैंग्वेज हमने ऑप्शन किया हिंदी, तो हिंदी में मैं ओम शांति लिखना चाहता हूँ तो ये ओम और शांति। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस भी आते हैं, इसमें से भी आप ले सकते हैं आप क्या लेना चाहते हैं, ओम शांति। अब मुझे क्या करना है, और भी कुछ टाइप करना है, जैसे वेरी गुड, तो बहुत अच्छा, तो BAHUT इंग्लिश बोलते हैं इसको, तो मैंने टाइप किया तो ये बहुत इंग्लिश में भी आ सकता है यहाँ पे सेलेक्ट करके, और बहुत ये किया तो ये भी आया, तो ये लिया बहुत अच्छा, तो ये हिंदी में टाइप हो गया। इस तरीके से अब हम देखें कि हमारे पास हिंदी का भी लैंग्वेज टाइप करने का ऑप्शन आ गया। अब अगर हम इसी अ को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करें और छोड़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम और भी लैंग्वेज इसमें इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ओम।